नमस्कार दोस्तों, मैं मंतोष अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई हर प्रकार की वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास उपलब्ध करा रहा हूं। तो चलिए, हमारे वीडियो पे किए गए आप लोगों के जो कमेंट है, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया और यथासंभव हम उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हम पहला कमेंट लेते हैं। जो हमारा पहला कमेंट है वो हरी सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है कि सनसलाइजर कितने पानी में मिक्स किया जाता है। तो देखिए, आप लोग जो सनसलाइजर का एक पैकेट आता है, तो उस पैकेट को आप 50 ग्राम पानी में मिक्स कर सकते हैं और उस हिसाब से आप सोना कोट में जो सुपर कोट आता है उसमें मिक्स करके और सही तरीके से मिक्स करके आप कोटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद से इन्होंने पूछा है हरी सिंह जी ने कि स्क्रीन कितने देर में सूख जाता है। तो जब हम कोटिंग कर लेते हैं उसे छाया में, धूप में नहीं, छाया में हम सूखने के लिए रख देते हैं। तो अब उसके सूखने का तरीका ये है कि ठंडे का मौसम हो तो लेट से सूखेगा, और गर्मी का मौसम हो, जैसा कि अभी तो गर्मी का ही फुल गर्मी का मौसम है, तो इसमें जल्दी ही सूख जाता है। आप उस पर हाथ रख कर, जो फ्रेम होता है उस पर हाथ रख कर, आप उसे अगर चिपचिपा लगे तो आप उसे सूखने दे। आप कहीं कोने में हाथ रख ले, ऐसा नहीं कि बीच में हाथ रख देंगे तो फ्रेम खराब हो जाएगा। आप कहीं पे कोने में हाथ रख ले, या आपको अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप देखेंगे, फिर भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सूखा है कि नहीं। तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, मौसम के हिसाब से होता है। आप उस पर हाथ रख कर उसे देख सकते हैं। हमारे दूसरे जो कमेंट किए हैं, मिर्जा अंजार नाम से हैं, उन्होंने पूछा है कि फ्रेम कहाँ मिलेगा भाई। अब फ्रेम कहाँ मिलेगा भाई, आप दुकान पे जाइए, जो प्रिंटिंग प्रेस का दुकान है वहाँ पे आप जाइए और उससे पूछिए, या जो आसपास के प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं वो आपको खुद बता देंगे। आपके आसपास के जो प्रिंटिंग प्रेस की दुकान होगी वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ पे MD रुस्तम साहब जो हैं, उन्होंने पूछा है कि सर, सोना कोट और सुपर कोट में क्या अंतर होता है। तो कोई अंतर नहीं होता है, सोना कोट और सुपर कोट दोनों एक ही नाम है, उसे अलग अलग नाम से हम लोग उसे नाम रखते हैं, मगर सोना कोट और सुपर कोट दोनों एक ही चीज है। रत्नेश, एक रत्नेश नाम से है, उन्होंने पूछा है कि अंधेरे में फ्रेम को कितना देर सुखाएं। तो अंधेरे में फ्रेम को, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अंधेरे में फ्रेम सुखाने का कोई टाइमिंग नहीं है, आप उस पे हाथ रख कर आप ये देख सकते हैं कि सूखा है कि। एक हमारे भाई साहब हैं ऋषि सिंह, इन्होंने पूछा है कि आप फॉइल प्रिंटिंग का वीडियो बना सकते हैं। तो जी नहीं सर, हम ये वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फॉइल प्रिंटिंग के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। अगर भविष्य में इसके बारे में अगर हमें जानकारी होती है तो हम इस पर वीडियो बना। अब हमारे टेक्निकल रंजीत जी हो जी हैं, इन्होंने पूछा है कि इसे छेदा कैसे करेंगे। एक वीडियो है हमारा जिसमें परफेक्टिंग किया जा रहा है, उसमें जो रिमाइंडर बुक होता है जो स्कूल के फीस वगैरह का, उसमें वो परफेक्टिंग किया जा रहा है जिसको इन्होंने छेदा लिखा है। और इसका प्राइस क्या होगा, तो जैसा कि हमने वीडियो उसमें अपलोड कर दिया है कि इसे किस तरह से उसमें छिद्र किया जा रहा है, और इसका जो प्राइस है आपको 10 से 15 हजार के बीच मिल जाएगा। अब इन्होंने एक और टेक्निकल रंजीत जी ही है, इन्होंने पूछा है कि पिनअप ऑनलाइन कैसे मंगाएं, जो पिनअप होता है वो बुक बनाने वगैरह का। इसे ऑनलाइन तो हमने मंगाया नहीं है, हमने दुकान से ही खरीदा है। तो आप अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, आप उस पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अब हमारे कुलदीप सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है कि नंबर दीजिए, तो हमने नंबर डाल दिया है आपके रिप्लाई में, आप वहाँ से जाकर हमारा नंबर देख सकते हैं। तो हमारे जो है एक और कमेंट किए हैं, ये कह रहे हैं हमारे वीडियो में हमने उसमें कहा है कि अगर आप सोना कोट को सनसलाइजर मिलाकर अगर आप एक हफ्ते या दो हफ्ते से ज्यादा या 10 रोज से ज्यादा रखते हैं तो पतला हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा। तो इन्होंने लिखा है उसमें कि आप क्या कह रहे हैं, 1 से 2 हफ्ते में सोना कोट खराब हो जाएगा और मैं 3 महीने के बाद भी एक्सपोज कर लेता। तो देखिए, एक्सपोज करने के लिए वो मुश्किल से एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन
वो आगे चलकर पतला हो जाता है, 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो पतला हो जाता है, फिर वो मुश्किल से एक्सपोज हो पाता है। अगर आप एक्सपोज करने के जीत पे आ जाए तब तो एक्सपोज हो जाएगा, मगर वो मुश्किल से ही, हालांकि इन्होंने रिप्लाई में लिखा है कि वो पतला हो गया है, तो आखिर वही हुआ कि वो खराब होने की परिस्थिति में हो जाता है और वो खराब हो भी जाता है। तो इसलिए उसका यूज ना करें, आप एक गिलास रखें और आपको फ्रेम के हिसाब से जितना फ्रेम में आपका लगता है सोना कोट, आप उसमें ग्लास में निकाल लें, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है, और उसी हिसाब से आप उसे मिक्स करके और एक फ्रेम के हिसाब से उसे कोटिंग करें, न कि पूरा डिब्बा में मिलाकर रखेंगे तो शायद खराब हो सकता है। अब हमारे अनिमेश कुमार है, इन्होंने लिखा है कि इंक में इंक को कितना पतला होना चाहिए, मेरा मैटर बार बार बंद हो जाता है, 1-2 कार्ड ठीक से प्रिंट होता है फिर बंद हो जाता है। तो देख, इंक का जहाँ तक सवाल है, जो हम 1 लीटर का इंक, 1 केजी का इंक जो खरीद कर लाते हैं, उसमें आप 100 से 150 ग्राम तक नाइट्रो मिक्स कर दीजिए, पहले 100 ग्राम के आसपास ही मिक्स कीजिए, उसे पतला कीजिए, सही तरीके से उसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप उस पे जो मेटर है, स्क्रीन है, उस पे छपाई कीजिए। देखिए, छपाई जो मेटर हमारा फंसता है उसका केवल कलर से ही संबंध नहीं होता है, अगर एक्सपोज में सही ढंग से एक्सपोज नहीं हो गया, वो थोड़ा हार्ड हो गया, आप उसे जबरदस्ती किसी तरह से रगड़ रगड़ के साफ करके अगर ले जाते हैं प्रिंट करने के लिए, फिर भी वो फंसना शुरू हो जाएगा, वो मेटर जो है, मेटर का जो मुंह होता है, जो जाली होता है, वो बंद होना शुरू हो जाता है। तो इसमें इंक तो मेटर रखता ही है, और इसके साथ साथ आपका जो स्क्रीन खोला जाता है उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि वो स्क्रीन जो हमारा मेटर है वो सही ढंग से ओपन होना चाहिए, खुलना चाहिए, न कि अगर रगड़ रगड़ के हम जबरदस्ती खोल देते हैं तो वो मेटर हमारा वहाँ पे घड़ी घड़ी बंद हो जाएगा। आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और चलिए, राहुल राय लिखते हैं कि सर, आपसे ऑफसेट कितने में मिलेगा, मुझे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कोई खास जानकारी नहीं। राय जी, अगर आपको प्रेस या प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है और आप ऑफसेट लगाने की सोच रहे हैं, अब ये तो थोड़ा मुश्किल काम है। पहले आप स्क्रीन प्रिंटिंग की जानकारी कीजिए, कहीं पे रहकर या आपके कोई दोस्त हो तो उनके पास रहकर आप स्क्रीन प्रिंट की अच्छी तरह से जानकारी लीजिए, उसके बाद आप ऑफसेट बिठाने का सोचिए, ऑफसेट लगाने का सोचिए, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। और मान लीजिए कि ऑफसेट आपका तकरीबन 3 लाख या 4 लाख का आएगा और जो स्क्रीन का काम है वो आपको 2-4-5 हजार में हो जाएगा, तो अगर मेरी राय मानिएगा तो मैं चाहूंगा कि आप पहले स्क्रीन प्रिंट के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी कर लीजिए, क्योंकि ऑफसेट के लिए मान लीजिए कि उतना आपके पास कस्टमर भी होना चाहिए, नहीं तो ऑफसेट का आपके पास कस्टमर नहीं होगा तो आप केवल खोल के उसे ओपन करके क्या करेंगे। इसके लिए कम से कम जिला लेवल या ब्लॉक लेवल पर जो हमारा शॉप होना चाहिए, इसके आधार पे वो हमारा रन कर जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको स्क्रीन प्रिंटिंग कुछ दिन कीजिए, उससे आपके कुछ कस्टमर बन जाएंगे, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आपको कुछ जानकारी हो जाएगी, तो फिर आप उसे रन कराइएगा जो ऑफसेट है वो। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने जहाँ तक हो सका है आप लोगों के कमेंट का सकारात्मक ढंग से हमने जो इसका जवाब है उसे हमने देने की कोशिश किया हूँ। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई आप लोगों के पास कोई भी मन में आप लोगों के सवाल अगर उत्पन्न होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका यथासंभव आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई जो भी आप लोगों को वीडियो होगा मैं अपलोड करूंगा तो आपको मैसेज द्वारा मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे देख सकेंगे और देखकर उससे आप सीख सकेंगे। तो लाइक कीजिए और हमारे पास जो कमेंट है उसे रिप्लाई कीजिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों को कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आप उस टॉपिक पे हमें कहिए, हम उस पे वीडियो बनाकर आप लोगों के पास उपलब्ध कराएंगे। तो आपका दिन मंगलमय हो, मेरी हार्दिक इच्छा है। और चलिए, नमस्ते।